हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्रॉम फूड। मैं प्रगति पंडित आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है महाराष्ट्र की फेमस पूरन पूरी और आमटी। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र फेमस पूरन पूरी और आमटी। चलिए उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कटोरा मैंने चना दाल लिया है, जिसे मैंने धो के उबाल के रख लिया है। देखिए इस तरह से मैंने धो के इसको उबाल के रख लिया है। और आमटी के लिए, आमटी जो इस चना दाल में जो हमने पानी उबलने के लिए डाला है, उसी से आमटी बनती है। इस पानी को इस तरह से हम छान के रख लेंगे, जितना भी पानी आएगा। पूरी के लिए हम आटा लगा लेते हैं। पहले मैदा लिया है, इसको मैदे के आटे से ही बनाते हैं। और मैंने पहले से इसे छान के रखा है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे और आटा एकदम सॉफ्ट डो सानेंगे, जैसे पराठे के लिए हम सानते हैं। ज़्यादा कड़क नहीं सानेंगे रोटी की तरह। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आटा, देखिए हमारा यहाँ आटा एकदम सन के रेडी है। कितना सॉफ्ट, ऐसे कर रहे तो अच्छा डो बन गया। इसी तरह हमें सॉफ्ट डो बनाना है। रेडी है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं ढककर। एक कटा हुआ मैंने स्लाइस किया हुआ प्याज लिया है, उसे हम डाल देंगे। फिर हम अदरक, कुछ कटे हुए अदरक डालेंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं, उसे हम डाल देंगे। इसे इस तरह से थोड़ी देर चला लेंगे। इसमें मैंने आधा नारियल लिया हुआ है, फ्रेश नारियल है, उसे डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 5 मिनट, फिर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब तक हमारा ये शैलो फ्राई हो रहा है गोल्डन ब्राउन होने तक, हम पूरन पूरी की तैयारी कर लेते हैं। जो चना दाल मैंने उबाल कर रखा था एक कटोरी, अब उसे हम कढ़ाई में डालेंगे। पहले एक कटोरी मैंने चना दाल लिया था, उसी कटोरी से नाप के मैंने ये गुड़ भी लिया है। उतना ही गुड़ हम डालेंगे चना दाल के अंदर। इस तरह इसे मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा गुड़ एकदम मेल्ट ना हो जाए उसमें। एकदम गुड़ मेल्ट हो चुका है इसमें अच्छी तरह से। हमारा देखिए गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे। आज मैंने छोटी इलायची छील के रखी हुई है, इसे अच्छी तरह से कूट के डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। एक छन्नी लेंगे, उसके अंदर मैं जो मैंने गुड़ और चने दाल का पूरन बनाया है, उसे इस तरह डालेंगे इसमें। उसे इस तरह से स्मैश करेंगे। छन्नी से अच्छी तरह से स्मैश होकर ये निकल रहा है हमारा पूरन। ये पूरा हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे।
से आप पूरा ऐसे पूरन छान लेंगे गुड़ और चने की दाल का। ये देखिए मेरा पूरन एकदम छन के सब एकदम तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है। हमारा जो मसाला था आंटी के लिए वो अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे मिक्सर में इसे हम ग्राइंडर में अब डाल लेंगे। अब हम आमटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे आधा ग्लास, ऐसे पीस लेंगे हम। आमटी का पेस्ट एकदम तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें, 1 छोटा चम्मच हम कसूरी की लाल मिर्च डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा पेस्ट बना हुआ है हम उसे अब इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पे भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक मसाला हमारा तेल न छोड़ दे। 1 छोटा चम्मच हम गरम मसाला भी डालेंगे। मसाला एकदम पक चुका है, देखिए इसमें हम पानी डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, खट्टेपन के लिए हम थोड़ी सी इमली डालेंगे, आपके पास कोकम हो तो कोकम भी डाल सकते हैं इसमें। धनिया डालेंगे। महाराष्ट्र में हमें हमेशा जब भी कोई त्यौहार होता है तो ये पूरन पूरी जरूर सबके घर में बनता है, मीठी पूरन पूरी, और ये आमटी की रेसिपी जरूर बनती है। ये इसमें एक उबाल आ चुका है, ये देखा जो मैंने चने की दाल का पानी निकाला था उसकी ही आमटी बनती है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे इस करी में। ऐसे थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। आमटी बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम रेडी है सर्व करने के लिए पूरन पूरी के साथ। अब हमारा आटा भी तैयार है एकदम अच्छी तरह से। अब इसे हम एक लोई निकालेंगे। हम चाहें तो इसे हम गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन अक्सर ये मैदा में ही बनता है, मैदे के आटे में ही बनता है। पूरन लेंगे, इस तरह से डालेंगे। अब इस तरह से इसे बेल लेंगे हम अच्छी तरह से। पूरन पूरी मेरी बेल कर तैयार हो चुकी है। अब इसे इस तरह लेके तावे पे डाल देंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे और इसे घी से सेकेंगे, अगर आपको चाहे तो तेल से भी सेक सकते हैं। इस तरह से पलट लेंगे, घी लगाएंगे। दूसरे साइड भी घी लगाएंगे हम। पूरन पूरी एकदम फूली फूली बन रही है हमारी, हमारी पूरन पूरी एकदम पककर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आमटी को सर्व करेंगे हम। अब आमटी को सर्व करेंगे। इसे दूध के साथ भी खाया जाता है, मीठी पूरन पूरी को उससे भी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। हमारी पूरन पूरी की रेसिपी बनकर तैयार है, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें।